हे गाइस, वेलकम बैक टू जॉब्स ऑन चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके JNU के फॉर्म के बारे में, जो कि NTA कंडक्ट कराने वाला है 2020 के अंदर। आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे अप्लाई करने का, और कुछ ऐसी गलती बताएंगे जो आपको भूल कर भी नहीं करनी अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम अप्लाई करने वाले हैं तो। और रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक हम सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। चलिए देखिए, ये हमारी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट, देखिए JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन JNU 2020। ये रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट के लिए है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए नो इंटरनेट है, सॉरी मैं थोड़ा इंटरनेट ऑन करना भूल गया, तो यहाँ पर आपको इंटरनेट ऑन कर लेना है। उसके बाद देखिए फिर से आपको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको सिंपल उस पर आना है। रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं हम पहले। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप एक बार नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिए अच्छी तरह से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। देखिए इसके अंदर देखिए, प्लीज़ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर JNU 2020 ऑनलाइन ओनली थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JNU, जो कि ये है http://jnuexam.nta.nic.in। तो प्लीज़ जो फेक वेबसाइट होती है वहाँ पे अपनी एग्जामिनेशन ना अप्लाई करें, और अपनी वहाँ पर डिटेल्स ना फिल करें, और अपनी सेफ साइड पर रहें। आगे ये फ़ी स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए, अगर आप एक चॉइस भरते हैं, दो चॉइस भरते हैं, तीन चॉइस भरते हैं, प्लस GST एज एप्लीकेबल। और ये सारी एम टेक के लिए, ये है BA ऑनर्स फर्स्ट ईयर के लिए एंड ऑल पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए। आगे हम बात करें इसके अंदर, देखिए सब कुछ दे रखा है आपको, कैसी स्कैन कैसी इमेज स्कैन करनी है, कैसे इमेज अपलोड करनी है, और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको सारी बातें बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो तक बने रहें। यहाँ पर सिंपल आपको पहले क्लिक करना है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन, देन आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर प्रोग्राम इन JNU 2020, अगर येस तो येस, ये नो तो नहीं। मैं यहाँ पर नो करने वाला हूँ, ठीक है, हम यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। पर कैंडिडेट्स नेम भरना है, मैं कोई रैंडमली नेम सेलेक्ट करने वाला हूँ। देखिए जैसे कि मैंने सेलेक्ट करा यहाँ पर राहुल, देन यहाँ पे फादर्स नेम सेलेक्ट करना है आपको नेक्स्ट कॉलम में। तो फादर्स नेम में देखिए, आपको फादर्स नेम में जैसे कि कोई भी भर दीजिए इसके अंदर, जैसे कि जय। आगे हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे मदर्स नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कुछ भी भर दीजिए, मतलब कुछ नहीं, मतलब आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, आपको अपनी रियल डिटेल भरनी है। मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल के तरीके से एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कुछ भी भर दीजिए, जैसे कि CUNITA। आगे हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर से पहले आपको यहाँ पे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको कौन सा आइडेंटिफिकेशन लगाना है, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड, आप कोई सा भी लगा सकते हैं जिस पर आपकी फ़ोटोग्राफ हो। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं वोटर आईडी कार्ड लगाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड लगाने के बाद यहाँ पर अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देना है आपको, ओके। फिर उसके बाद हम बात करें, आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर देखिए, जो भी आपका जेंडर है, मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल, तो ये जनरल चीज़ें हैं। देखिए अगर हम आगे बात करें तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एज एन एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ ली है। तो यहाँ पर देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ फिल करने वाला हूँ ये। उसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस फिल करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको अपना रियल एड्रेस करना है, और यहाँ पर सिटी लोकेलिटी यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपकी है तो आप भर सकते हैं। कंट्री फिल करनी है, ओवरसीज़ के लिए पेमेंट ज़्यादा है, तो अगर आप वैसे आप में से ओवरसीज़ हो सकते हैं क्योंकि फॉर्म ओवरसीज़ के लिए अवेलेबल होता है। स्टेट यहाँ पर हम दिल्ली सेलेक्ट करने वाले हैं, और यहाँ पर जो पिन कोड है देखिए, आगे हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, सेंट्रल दिल्ली। आगे यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस देखिए, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो वैलिड डालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मतलब यहाँ पर डालनी पड़ेगी, यहाँ पे मेन है ईमेल आईडी आपकी, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा आपको।
चलिए आगे हम बात करें एड्रेस की। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। अगर आपका सेम है तो आप कॉपी पेस्ट शायद डिसाइड ही कर पाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे ऑप्शन ही दे रखा आपको, तो यहाँ पर आपको फिल करना है अपना। अगर सेम है तो सेम है, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कि आप इस टाइम जहाँ भी रह रहे हैं, और परमानेंट मतलब जो आपका परमानेंट एड्रेस है। यहाँ पे लोकेलिटी ऑप्शनल है आपकी, तो मैं सेम एड्रेस भरने वाला हूँ यहाँ पर। स्टेट मैं यहाँ पे दिल्ली भरने वाला हूँ। आगे यहाँ पे जो पिन कोड है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिल्ली। ओके, यहाँ पे आपको पासवर्ड देखिए, पासवर्ड है सेलेक्ट करना है कि आपका जो डिटेल्स हैं यानी कि पासवर्ड आपको वो सेलेक्ट करना है। इसके अंदर एक अपर केस लेटर होना चाहिए, यानी कि एक बड़ी बड़ी ABCD, एक छोटी ABCD, प्लस एक स्पेशल सिंबल, वो कोई से भी हो सकता है, @, डॉलर, आपका हाइफन कुछ भी हो सकता है, और एक नंबर होना